वेलकम दोस्तों। सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आया है NHLML की तरफ से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का PSU ऑर्गेनाइजेशन है जो NHAI जो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अंडर में आता है। तो इसमें सिविल इंजीनियर के लिए बहुत सारा पोस्ट है, तो हम लोग डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपर एज लिमिट क्या है। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप फ्रेशर्स कैंडिडेट है फिर भी आप लोग एलिजिबल है एंड रेगुलर पोस्ट है, सैलरी भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो हम लोग डिटेल एडवर्टाइजमेंट को एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स गो वन बाय वन। देखिए, ये हो गया आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड NHLML। NHLML नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड 100% ओन कंपनी ऑफ NHAI जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड का अंडर में आता है। ओके, तो इसमें देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल, इसमें वैकेंसी आया है, टोटल पोस्ट है 22। इसमें अनडिजर्व के लिए 11, SC के लिए 11, ST के लिए 1, OBC के लिए 5 एंड EWS कैटेगरी के लिए 2, टोटल 22 पोस्ट है। देन ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके लिए टोटल 2 पोस्ट है एंड ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग फॉर मैकेनिकल, इसके लिए टोटल 4 पोस्ट है। लेकिन सिविल इंजीनियर के लिए पोस्ट काफी ज्यादा है कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस, इसमें टोटल 22 पोस्ट है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसके लिए पोजिशन शैल बी ऑन द लेवल ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, आपको असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड में लिया जाएगा E0 ग्रेड में। ओके, पे स्केल आपको मिलेगा 30,000 से 3% प्लस से 1,20,000, मीन्स आपको E0 ग्रेड पे लिया जाएगा ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर 5 ईयर्स, आपको 5 ईयर्स का बेसिस पे लिया जाएगा, उसके बाद आपको रेगुलर हो जाएगा। देन एप्लीकेशन नीड टू होल्ड वैलिड गेट एग्जामिनेशन स्कोर, मीन्स आपको वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। देन अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोबेशन पीरियड फुलफिलिंग द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस रिलेटेड टू द अदर क्राइटेरिया ऑफ द कंपनी, डेप्यूटी मैनेजर हो जाएगा आपका E1 ग्रेड पे। ओके, एंड उस टाइम आपको सैलरी मिलेगा 40,000 से 1,40,000। ओके, लेकिन इसके लिए आपको गेट स्कोर होना चाहिए, कौन सा ईयर का ग्रेड स्कोर है वो भी देखिए मेंशन हुआ है, 2022, 2023 एंड 2024। इस 3 ईयर से किसी भी ईयर में आपको वैलिड गेट स्कोर होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले E0 ग्रेड असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट पे लिया जाएगा, देन डेप्यूटी मैनेजर E1 ग्रेड पे आपको लिया जाएगा, लेकिन आपको वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए 2022 में, 2023 में और 2024 में। इसी 3 ईयर में किसी भी एक ईयर में आपको गेट का वैलिड स्कोर होगा, मीन्स कट ऑफ मार्क्स ज्यादा होगा तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं होता है कम्पेयर टू द अदर PSU ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसमें देखिए इवेंट, आपको एप्लीकेशन डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एप्लीकेशन ओपनिंग डेट 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया एंड एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट जो है 8 नवंबर 2024। तो अभी डेट है तो आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से सपोज 2022, 2023 एंड 2024 में आपका वैलिड गेट स्कोर है तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई कीजिए। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है जिसका पास वैलिड गेट स्कोर है NHLML काम करने के लिए। ओके, ये रेगुलर पोस्ट होगा, आपको E0 में इनिशियली लिया जाएगा, उसके बाद E1 ग्रेड पे आपको प्रमोशन दिया जाएगा। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट, बैचलर्स डिग्री आपको होना चाहिए, आप गेट स्कोर है तो बैचलर डिग्री तो होना चाहिए। एप्लीकेशन विथ गेट स्कोर 2022 से 2024, देन अनरिजर्व एंड इसका जो है गेट एग्जामिनेशन क्राइटेरिया तो हम लोग सब जानते हैं। देन पैरामीटर्स, आपको वेटेज होगा 90%, गेट स्कोर जो होगा उसके लिए वेटेज है 90%, एंड देन उसके बाद एक इंटरव्यू होगा जिसका वेटेज है 10%, लेकिन आपका पास गेट का किसी भी स्कोर है कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा है फिर भी आप लोग अप्लाई करिए। इसमें आपको प्लीज नोट दैट द गेट्स प्रायर टू 2022 विल नॉट बी एडमिसेबल, आपको 2022 से पहले का है तो आप लोग एलिजिबल नहीं है। देन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, ये सब आपको रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है एंड आपको फॉर्मेट भी दिया गया है। तो वैकेंसी कहाँ से आया है हम लोग वेबसाइट में जाके एक बार देख लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आया है, कैसे ऑनलाइन में अप्लाई करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल में आइए, देन लिखिए NHLML। यह हो गया आपका NHLML का होम पेज, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड। इसमें आके आप सबसे पहले करियर ऑप्शन में आइए, देन करेंट ओपनिंग्स। सो ये हो गया आपका करेंट ओपनिंग्स। देन सबसे पहले जो है देखिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग,
इसमें जॉब रोल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल, नंबर ऑफ पोस्ट इज 22 एंड डेट 2024 11th 8। ओके, इसमें स्टेटस में देखिए अभी तक ओपन है, देन रिजल्ट पेंडिंग है, इसमें जाके आप इसको क्लिक कीजिए। सो ये हो गया आपका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट। ओके, एंड आपको ऑनलाइन में अप्लाई करने के लिए देखिए इसमें लिखा है एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट गेट 2024, इसमें भी आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ये सब आपको फिल करना होगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एप्लीकेंट नेम, सब करके आपको फिलअप करना है। एक वैलिड सर्टिफिकेट है तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, फिर से हम लोग एक नया जॉब अपडेट के साथ मिलेंगे।